अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, पाकिस्तान नेवी में आप लोग की ऑफिशियली जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जॉब्स की डिटेल बताऊंगा और सेकंडली बताऊंगा कि आपने इन जॉब्स के में कैसे अप्लाई करना है, बिकॉज काफ़ी लॉन्ग टाइम से कैंडिडेट्स वेटिंग पे थे इन जॉब्स के लिए और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन थे आप लोग की जॉब्स कब आएंगी, कौन सी आएंगी और हम इसमें अप्लाई कैसे करें। सो गाइज फाइनली अब इन जॉब्स की कंप्लीट डिटेल जानने के लिए सबसे पहले आना है आपको गूगल पर। गाइज गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है Expert Jobs 24। एक्सपर्ट जॉब्स 24 सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी वो यही वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको नंबर वन पे पाक नेवी सेलर्स जॉब्स 2022 देखने को मिलेंगी। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली इस पोस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर नंबर वन पर आपकी कुछ इंस्ट्रक्शन हैं एंड देन यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें पोस्ट नेम आपकी मल्टीपल हैं, जेंडर इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंट पाक नेवी है, एजुकेशन इसमें आपकी मैट्रिक इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, बट अगर आपकी हायर एजुकेशन होगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी आपको। एज लिमिट इसमें आपकी 16 to 21 ईयर है। अप्लाई प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन है। डोमिसाइल इसमें ओवरऑल पाकिस्तान से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज आप लोगों की 1000+ हैं। लास्ट डेट 26 मार्च 2022 है। इसमें आगे फर्दर कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो कि आप लोग रीड कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें पाक नेवी टेक्निकल ब्रांच का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जेंडर इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, मार्शल स्टेटस इसमें अनमेरिड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन इसमें आपकी मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है जो कि 65% मार्क्स के साथ आपने पास किया हो, वो आपने बायो और कंप्यूटर के साथ मैट्रिक किया होना चाहिए। अगर आर्ट्स के कैंडिडेट हैं आप तो आप इन एलिजिबल हैं। एज लिमिट इसमें आपकी 16 to 20 ईयर्स है। हाइट इसमें 5 feet 4 inch रिक्वायर्ड है एंड देन यहाँ पर आता है हमारे पास पाक नेवी मेरीन ब्रांच का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें जेंडर सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, मार्शल स्टेटस इसमें अनमेरिड है, क्वालिफिकेशन इसमें मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है जो कि 60% मार्क्स के साथ तो आपने पास किया हो। एज लिमिट इसमें आपकी 17 से 21 साल तक है। हाइट इसमें 5 feet 6 inch रिक्वायर्ड है। और सेकेंडली कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर अगर हमने मैट्रिक आर्ट्स के साथ किया हो और इंटर आईसीएस किया है या एंड सो ऑन डिफरेंट किस्म की कोई डिग्री की है देन हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है अगर आप उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते देन आप इन एलिजिबल हैं। इस बात को आपने अंडरस्टूड करना है एंड देन यहाँ पर आता है आपका अप्लाई का। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू पाक नेवी ऑफिशियल वेबसाइट टिल 26 मार्च 2022। क्लिक हेयर आगे लिखा हुआ है, बट इससे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। ये आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट है, ये से आप कंप्लीटली रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप फर्दर मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप ज्वाइन पाक नेवी .gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रोल करना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नंबर वन पे ब्रांच सेलेक्ट करना होती है। यहाँ पे आपने ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें भी आपने अप्लाई करना है एंड अगेन यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर देगा। इसे रीड करें, यहाँ से आप क्रॉस कर लें एंड देन यहाँ पे अपनी कंप्लीट डिटेल्स फिल कर दें। इसमें सर्विस कैंडिडेट पे आपने टिक नहीं करना, ये उनके लिए होता है जो ऑलरेडी सर्व कर रहे होते हैं। आपने सिविलियन के ऊपर रखना है एंड देन यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक डिटेल्स ऐड करनी है एंड देन यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करनी है। सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर आपने सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, जो भी सेंटर सेलेक्ट करें यहाँ पे अपना करीबी सेंटर जो भी आपका हो वो सेलेक्ट करें, अच्छे से करें क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा। अपना CNIC देखें, अपना नाम देखें, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार देखें और नंबर को तो आपने अच्छे से देखना है। और सेकेंडली आपका नंबर किसी अदर नंबर के ऊपर कन्वर्ट ना हुआ हो, इस बात को भी आपने क्लैरिफाई करना है ताकि आपको जब कॉन्टैक्ट किया जाए तो ईजिली आपसे कॉन्टैक्ट हो जाए। तो जब आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि मेरी इन्फॉर्मेशन आया बिल्कुल 100% करेक्ट है देन यहाँ पे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करें। आई होप सो गाइस कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। आई मीट विद यू इन नेक्स्ट वीडियो।